हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल अनीता दुबे हाउसवाइफ में, और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है रामनवमी, अष्टमी तो कल थी, कल रात में पूजा हुई थी महागौरी की, और आज है नवमी, यानी आज है कंजिका और नवमी है पूजा पाठ। और उसी मतलब जो भी है लोग अपना जो भी पूजा पाठ, कंजका वगैरह, हवन, और जो 9 दिन के हैं वो उनका तो कल पारण होगा, आज तो नवमी है। बट मेरे मायके में आज बहुत ही अच्छा सब माता रानी का, एक यूँ कह लीजिए कि एक माता रानी का ढोल बनता है और वो उठता है, पूरे मार्केट में घूमता है और शाम को मंदिर पे जाकर रखा जाता है। बहुत हजारों की संख्या में भीड़ आती है वहाँ पे। मैं हूँ नहीं, वरना आप लोगों को दिखाती ज़रूर वहाँ का, कि कैसे वहाँ का प्रोग्राम होता है, माता रानी के झांकी ढोल कैसे निकलते हैं। तो अभी तो फिलहाल यहाँ है, तो आज हमारे घर में कंजिका है और हमारी दीदी जेठानी जो हैं वो बना रही हैं। हाँ, वहीं पूजा वाले कमरे में टब में रखा हुआ है। हाँ, और मेरे बेटे की देखिए तबीयत खराब है। कल भी ले गया था डॉक्टर के पास इनको दिखाने के लिए, तो वही इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, पता नहीं क्यों ये बार बार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है, नाक बहुत, और सीना घुर घुर कर रहा है, जाम सा हो रखा है। देखिए कैसे सो रहा है मुंह खोल करके। तो बड़ा दिमाग टेंशन में आ गया था, हमें तो लगा था कि एडमिट कर लेगा, बट कहा कि एडमिट अभी नहीं करेंगे, फिर दवाई चलाओ, 2 दिन बाद फिर लेकर के आओ, फिर हम देखते हैं क्या स्थिति है, उस हिसाब से हम बताएंगे। बड़ा टेंशन में दिमाग था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कल से रिलैक्स हुआ है। बुखार तो रात को फिर हुआ, दवाई दिए, रात को उठ के भाप दिए, तब जाके थोड़ा आराम मिला। सो रहा है, पता नहीं नाक में प्रॉब्लम हो रही है, गले में हो रही है, कहाँ हो रही है, सांस लेने में इतनी इसको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत परेशान जी है। अभी इसको भी उठाते हैं, नहलाएंगे धुलाएंगे, और मैं जा रही हूँ थोड़ा पूजा करने के लिए, फिर कंजिका वगैरह की तैयारी करेंगे हम लोग। तो अभी मैं दिखाती हूँ, कंजिका की तैयारियाँ हो रही हैं। और यहाँ देखिए सुबह नहाने के बाद मैं आरती और पूजा करने चली गई हूँ, और सारा श्रृंगार माँ का मैं फूल दीप धूप सब कुछ जला करके उनकी आरती कर रही हूँ, और उसके बाद से मैं जाऊँगी जल देने के लिए। फिर कंजिका का खाना हम लोग बना रहे हैं, और आप देखिए हमारी वीडियो फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो ये देखिए दीदी कंजिका के लिए निकाल रही हैं प्रसाद, क्योंकि कोरोना के बाद से कंजिका वगैरह आप कोई करता नहीं है, लड़कियां भी नहीं आती हैं किसी के घर जल्दी, तो सारी कंजिकाओं को हम घर पहुंचा देते हैं, और लंगुरिया को भी, माता रानी को भी भोग लगा देते हैं। और ये दीदी अभी भोग लगाएंगी माता रानी को, आप लोग देखिए, क्योंकि कोई नहीं आता, ना कोई अपने बच्चों को भेजता है। ये देखिए माता रानी को हम भोग लगाएंगे, सारे कंजिकाओं को भी यहाँ पे नमन करके फिर हम उनके घर पहुँचा देते हैं। देखा आप लोगों ने, कंजिका वगैरह तो आती ही नहीं है। मैंने बेटे को जगाई हूँ, और इनका नया कल खिलौने आया है, नया गेम, ये देखिए, और एक पजल है, आप लोगों को भी दिखाएंगे अभी हम थोड़ी देर में इसको कैसे खेलते हैं। अब इनको जगाए हैं, ब्रश करवाए, अभी बैठे हुए बाथरूम में, फिर आप लोगों को दवाई वगैरह दे के खिला करके फिर आप लोगों को ये गेम भी दिखाएंगे हम। कल बहुत सारे खिलौने की जिद किया तो खिलौने दिलाए, गए थे मंदिर, गए शाम को मत्था टेकाने के लिए, तो इनके खिलौने भी आए, और फिर आपको दिखाते हैं कि ये गेम कैसे खेलते हैं। मैं चली चाय पीने, कंजिका का हो गया देना खिलाना, मंदिर में भी पूजा हो गई।
इस गेम को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को कि कैसे खेलते हैं इसे। लेकिन है बड़ा मस्त। फिर भी 5 बज गया। हाँ आयु गेम खेल रहे हैं, चीटिंग नहीं करना। बहुत अच्छा गेम मिल गया, इतना बढ़िया खिलौना है, लटके रहो दिन भर इसी में। लेकिन बच्चे मेरा 3 बच रहा है, इनका कभी 4 कभी 5 बच रहा है। जिसका 2 1 बचा वो बहुत बड़ा जीनियस बॉय होगा, है ना बेटा? नहीं, जिसका 1 बचा वो जीनियस, जिसका गाड़ी में रख सकती हूं। ये देखिए बड़ी मम्मी को अपने फंसा रखे हैं यहाँ पे, बड़ी मम्मी सिखा रहे हैं। एक बार देख लो। तो ये इनकी बहन आ गई, ये देखिए आप लोग। और दोनों भाई बहन बैठ करके कितने खिलौने फैला रखे हैं घर। देखिए अभी तो बिस्तर सही की हूँ मैं, ये देखो घर की स्थिति। ये देखो अभी इस रैक को मैंने अंदर किया है, खींच रखे थे लोग। हेलो करो बहनी, हेलो। ये भाई बहन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ये थोड़ा आराम है, कूद रहे हैं। फिर हमें कल ले जाना है दिखाने के लिए। पैसे लेके खेल रहे हैं, कंचिका के मिले हैं। और ये कंचे कंचे वाला गेम आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गेम है बड़ी अच्छी, माइंड गेम है और बच्चों को बिजी रखने वाला गेम है ये। देखिए मौसम कितना बढ़िया हो गया है, बारिश बारिश का, बारिश भी बूंदे छूट गई हैं। तो दीदी जल्दी जल्दी कपड़े बटोर लिए अपने। और हमारे छत पे देखिए अरबी के पत्ते बड़े प्यारे प्यारे हो रखे हैं, और इसको भी अलग करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा घना घना सा हो रखा है। ये देखिए यहाँ भी मैं लगा रखी हूँ। अब इन सबको देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी पेटू हूँ। गाँव से पौधे ले आ लिया, यहाँ लगाई हूँ। देखिए बारिश आने लगी, बहुत सुहावना मौसम हो रखा है, बहुत तेज। बादल कितना गरज रहा है, आज वहाँ जाग रहे हैं मेरे पापा। कहाँ? साठ फुटे से हम गाड़ी से निकलते हैं ना, तो जब हम उतरते ही हैं 60 फुटे से नीचे, तभी पापा कथा कह रहे थे कि देखो पापा के ऊपर बेटा, बेटा के ऊपर बहिनी, बहिनी भैया के ऊपर और भैया पापा के ऊपर। बेटी को प्यार कर रहा है, ये देखो इन लोगों को। टिक टिक घोड़ी, चल मेरे घोड़े। चल मेरे घोड़े, टिक 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 चलाओ घोड़ा, चलाओ घोड़ा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज मैं अपने घर में बनाई हूँ पूड़ी और सब्जी। और आज है रामनवमी, तो दिन में तो कंजिका वगैरह का आप लोगों ने देखा ही है, तो हमने सोचा चलो शाम को थोड़ी पूड़ी और सब्जी बना देते हैं और थोड़ी सी खीर बना देते हैं क्योंकि आज त्योहार है।
ये देखिए मैं अभी पूड़ी बना ही रही हूँ। ये देखिए, तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने पूरे दिन की हमारी जर्नी, और शाम को मैंने बनाया पूड़ी सब्जी अपने किचन में। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और चेहरे पे देखिए मेरे 12 बजे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा टेंशन आजकल ज़्यादा हो गई है बच्चों को लेकर के, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। रात भर जगना, दिन भर उसके पीछे परेशान रहना, हॉस्पिटल का चक्कर काटना, घर भी देखना, तो थोड़ी टेंशन सी हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।